कोई कोर्ट ये आदेश नहीं देता भाई साहब कि किसी बसे बसाई को उजाड़ो। कोर्ट कहता है उसके लिए दूसरी जगह बसाओ, उसके बाद उनसे खाली कर। और आप बताया कि 500-700 कितने घर भाई साहब? 753 तोड़ दिए, 753 आम आदमियों के घर तोड़ दिए। सरकार बताए वहां क्या मिला पहले खोदोगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, जो घर तोड़ दिए, जो उजाड़ दिए, वहां क्या मिला? वहां खुदाई होगी क्या? वहां कुछ मिल गया क्या? अगर वहां कुछ मिलता हो कि भाई इस देश का उद्धार हो जाएगा, इस देश से लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज उतर जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो फिर देश के लिए तो हम अपना घर छोड़ देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे घर तोड़ेंगे पता होना चाहिए ना वहां पे सरकार ने क्या मिला है। इस डीसी से जाके पूछो, ये डीसी बताए कि वहां जो घर उजाड़े हैं तुम लोगों ने वहां क्या मिला है? वहां की खुदाई होगी? और जो हाईकोर्ट हाईकोर्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, ये तो हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐसे फेंक दिया जाता है। हाईकोर्ट हाईकोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब हम आप लोगों को बता दें, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करना आप लोगों को, अब देखो डरोगे जेल जाने से, अरे जब पूरे हमारी कमाई का, मेहनत की कमाई का एक मकान बनाया, उसको तोड़ने के लिए सरकार तैयार बैठी है, तो मार तो हमारे को वैसे ही दे रही हूं। आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, किसी सरकार की औकात नहीं है आप लोगों को उजाड़ दे, और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए भाई साहब, वोट मांगने के लिए नहीं आए, आप लोगों के साथ संघर्ष में खड़े होने के लिए आए हम यहां पे। आप लोगों की समस्या है, आप लोगों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। हम नहीं कह रहे आपको वोट के लिए।